17:4 से 7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए सही में होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जगत शांत जवळ येत आहे, लवकरच साऱ्या गोष्टींचा शेवट होणार आहे, यास्तव शांत चित्त व मर्यादेशील असा म्हणजे तुम्हाला प्रार्थना करता येईल। आपण डोळे बंद आहो, माको को बंद करेल प्रार्थना गोड होईल। सेनादेश पिता, मी वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो, वचनाच्या द्वारे तू आम्हाला समजवणारा, आम्हाला प्रभू घडवणारा, आम्हाला बनवणारा तू आमचा देव आहे। त्यामुळे आम्ही वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता करा, जे आम्ही ऐकतो तेच आम्ही करण्यासाठी तू आम्हाला मदत करा। त्यामुळे माझ्या तांदळे गोड पवित्र पिता, वचन पवित्र पिता ऐकण्यासाठी यांचे कान उघड आणि आज्ञाकारी जीवन दे, हृदय दे, मन दे, ही माझी प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने। आमेन। वाचूया आपण, जगाचा अंत जवळ येत आहे। हा प्रियांनो, जगाचा अंत आता खूप जवळ आलाय, येशू ख्रिस्ताचं आगमन जवळ आलेलं आहे आणि येशू ख्रिस्ताने अगोदरच सांगितलेलं आहे की मी आता लवकर येणार आहे। मग येशू यायच्या अगोदर, येशू आणण्याचे पहिले आपल्याला बघून देवाचा आत्मा काय करणार आहे, उचलून घेऊन जाणार आहे, परमेश्वराचा आत्मा आणि उठायला लेकर जाणे वाला। येशू ख्रिस्त जेव्हा येणार आहे तो मेघारूढ होऊन येणार आहे, येशूच्या पायेगा तो मेघारूढ होकर आहे। आता तो लपून छपून गायच्या गोठ्यात नाही येणार, अक्षुप्ती से गाय के गोठे में नाही आएगा। त्याने पहिल्यांदा तो जेव्हा आला होता, पहिली बार जेव्हा तो आया था, नॅचरली तेव्हा तो थोडासा गुप्त होता, लपून आला होता, तो अक्षुप्ती से आया। इस्रायली लोकांना, यहुदी लोकांना त्याची ओळख पडली नाही, इस्रायली लोकांना, यहुदी लोकांना पहचान नाही था। अजूनपर्यंत इस्रायली यहुदी लोकांना येशू ख्रिस्त येऊन गेला ही ओळख पटलेली नाही आहे। आज भी इस्रायली और यहुदी लोगों को येशू आता चला गया ये भी पहचान नहीं। त्यांना असं वाटतं आज आता येशू येईल और उनको ये लगता है कि अभी येशू आएगा। एक कुवारी गर्भवती होगी, एक कुवारी गर्भ और एक बेटी को जन्म देगी, एक मुलाला जन्म देगी, उसका नाम येशू रखा जाएगा, जैसा नाम येशू जन्म देगा। उनको ऐसा लगता है कि अभी येशू वापस जन्म लेगा, अंत में असं वाटतं की आता पुनः येशू जन्म घेईल। ये क्रिया कभी होगी, ये क्रिया कधीच होऊन गेली, लेकिन उनके अविश्वास और हट्टी के कारण आज उनको ये एहसास नहीं हो पा रहा है। उसको ऐसा ना, वो येशु के पास इसी कारण से नहीं आ पा रहे आणि ह्याच्यामुळे ती लोक आज येशूकडे येत नाही, अविश्वास के कारण, अविश्वासामुळे। उन्होंने परमेश्वर येशु मसीह पर रखे हुए अविश्वास के कारण, आणि त्यांनी देवावरती ठेवलेल्या अविश्वासामुळे। यहुदी और इस्राएली, यहुदी आणि इस्रायली इनके अंदर बड़ा अविश्वास है, यांच्यात मोठा अविश्वास आहे। इसीलिए वो अभी भी सोचते येशु आएगा, म्हणून ते अजूनही विचार करतात की येशू येईल। येशू आकर पक्का चला गया आणि येशू येऊन कधीच निघून गेला। उन्होंने येशु को क्रूस पर चढ़ा भी दिया, त्याने येशूला वधस्तंभावरती खिळल्या सुद्धा, इतना क्रूर रीतीने उसकी हत्या भी कर दी, एवढे क्रूर रीतीने त्याची हत्या पण केली। लेकिन फिर भी तरी सुद्धा परमेश्वर को ये भाया की वो हमारे लिए कुचला जाए, आणि देवाला हे आवडले की त्याने आपल्यासाठी कुचला जाए, हमारे लिए दिया गया हो, आपल्यासाठी देण्यात आला, ताकि उसके मारे जाने से हम बच गए, त्याच्या मागे गेल्यामुळे आपण वाचले, जीवन मिळाले, आपल्याला जीवन मिळाले। ही परमेश्वर की योजना थी, ही देवाची योजना होती। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें यही कहता है कि जैसे यीशु मसीह पहले कैसे आए थे, येशू कैसा पहिले कसे आले होते, माता मरियम के द्वारा, युसुफ के द्वारा, माता मरियमच्या द्वारे, युसुफाच्या द्वारा, और एक कार्पेंटर के घर में पैदा हुए थे, आणि एका कार्पेंटरच्या घरामध्ये ते पैदा झाले। वहां के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उन तिथी लोक त्याच्यावरती विश्वास ठेवत नव्हते, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये भी अन्य लोगों के जैसा हमारे गाँव का एक नागरिक है और कार्पेंटर करता है, सुतार का काम करता है, आणि हे आपल्या लोकांसारखा एक नागरिक आहे आणि तो कार्पेंटरचं काम करतो। इसीलिए लोगों ने विश्वास नहीं किया, म्हणून लोकांनी विश्वास नाही केला, तो क्रूस पर चढ़ाया, त्याला वधस्तंभावरती केलं, पूरे सारे जगत के लोग उसे देखेंगे, पूर्ण जगाचे लोक त्याला बघतील। बादल पर आएगा, पूरे जो हम जो आकाश देख रहे, जो आपण आकाश बघतोय, आकाश पेपर कसे लपेटला जात आहे, आकाश पेपर कसा गुंडाळला जातो, वैसा वो लपेटा जाएगा, तसं ते गुंडाळले जातो। पेज नहीं तो मैं आपको दिखा दी, वो एकदम ऐसे लपेट लपेट कर, लपेट लपेट कर, हम लोग उंडाई करते हैं ना, वैसे लपेट लपेट कर वो क्या हो जाएगा, लपेटा जाएगा और ना ही मतलब गायब हो जाएगा, ना हिस्सा हो जाएगा, आणि आकाश गुंडाला जाएगा तो ना हिस्सा हो जाएगा। आकाश लपेटने से पहले आकाश में जो कुछ हम देखते हैं, तारे तारे वो हिलाए जाएंगे, गिर जाएंगे, हलवले जाते थे पड़ते हैं, सूर्य सूर्य जो हम लोग सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं ना, सूर्य के प्रकाश में अपन बस अंधकार में हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो अंधकार में पूरा काला हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, चंद्रमा लाल नहीं रहेंगे, ये ग्रह जो है ये नहीं रहेंगे, ये जो ग्रह है ये भारत में थोड़ी तुरही जब फूकी जाएगी लोग डर जाएंगे, पहाड़ ढीले लगेंगे, कापेंगे, तुरही जेव फूकने देते हैं लोग घाबरते जाने, जो डोंगर है क्या लगते, लोगों का हृदय छिप जाएगा, कांपने लगेगा, लोग कांपने लगते, अब क्या होगा, आने वाला तो आ गया, अगर ये ना रहता हमने तो उस पर अविश्वास किया, हमने तो विश्वास, हमने उस पर विश्वास नहीं किया, हमने विश्वास नाश
नाश निश्चित आहे आणि आता पुढे आमचा नाश निश्चित आहे इस रीतीने हमारा प्रभु आणणार अशा रीतीने आपला देव येणार आहे उसके पहिले हम क्या हमारा क्या होगा आणि त्याच्या पहिले आपलं काय होईल हमने जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया आपण ज्यांनी पवित्र आत्म्याला शोकित नाही केलं खाया नाही दुखवलं नाही पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन किया पवित्र आत्म्याच्या आज्ञेचं पालन केलं वो सब मसीह लोग क्या हो जाएंगे जिन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया वो उठाए जाएंगे ज्यांनी देवशास्त्राला शोकित नाही केलं ते उचलले जातील हाँ वो दिन भी नसीब है आणि तो दिवस पण जवळ लिखा है कि क्या लिखा है अंत क्या आया है एकदम निकट आया है आणि जगाचा अंत आता जवळच आला एकदम निकट एकदम जवळ एक बार रॅप्चर हो गया मसीह लोग उठा लिए गए पवित्र आत्मा चला गया तो फिर तो संसार का अंत तो एकदम ही निकट हो गया आणि रॅप्चर झाल्याच्या नंतर जगाचा अंत तो आहे तर लवकरच येणार आहे मालूम हुआ इसलिए प्रियो आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि उठाए जाने का दिन भी नजदीक है आणि उचलले जाण्याची वेळही जवळ आहे प्रभु के आगमन का भी निकट दिन नजदीक है आणि देवाच्या आगमनाचा दिवस पण जवळ आहे सारा जो संसार जिसे मनुष्य प्यार कर रहा है आणि आज हे जो माणूस जे जगावरती प्रेम करतो आहे ना जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मार रहा है जमिनीच्या टुकड्यासाठी एकमेकांना मारत आहे झगडा कर रहा है भांडण करत आहे हे सब संसार नाश हो जाएगा हे सगळं जग नाश होऊन जाईल परमेश्वर यीशु मसीह आणि प्रभू त्याच्या मुखातून निघालेल्या आगीमुळे तो काय करेल त्या सगळ्या पृथ्वीला नाश करेल इसीलिए प्रभु का वचन पत्र जिसने कलीसिया बनाने के लिए पहिला पत्र जो प्रभु ने चुना वो हमें उत्साहित करता है आणि मंडळी बनवण्यासाठी जे पहिल्या धड्याचा वापर करण्यात आला तो म्हणजे पेत्र तो आपल्याला उत्साहित करतो काय कहत आहे काय म्हणतो संसार का जग का अंत निकट आया है जगाचा अंत जवळ येत आहे लवकरच साऱ्या गोष्टींचा शेवट होणार आहे सारे बातों का अंत जल्दी होने वाला है इसलिए तुम क्या करो या सब शांत चित्त रहा म्हणजे तुम्ही जे तुमचं मन अस्वस्थ झाले काय काय कर या जगामध्ये तुमचं मन भटकलं असेल किंवा जगात पापामध्ये तुम्ही रमलेला असाल त्याच्यातून तुम्ही बाहेर व्हा आपला मन संसार की बातों पर संसार की वस्तूं पर लगाया होगा तो उसमें से बाहर निकलो और शांत हो जाओ आणि शांत रहा पश्चाताप करो पश्चाताप करा मन फिरा मन फिरवा क्योंकि जो पश्चाताप किए मन फिराए वही स्वर्ग जाएगा नहीं पश्चाताप किया आपने मन फिरो तो स्वर्ग जाएगा जो पाप में रहेगा पाप की अभिलाषाओं में रहेगा शरीर के अभिलाषाओं को खुश करता रहेगा शरीर को संतुष्ट करता रहेगा वो बिल्कुल नहीं जाएगा और जो शरीर वाला संतुष्ट करत रहे तो कभी नहीं जाना शरीर है नेचुरली शरीर कुछ भी मांग करेगा और शरीर है शरीर का ही मांगेगा शरीर है ना शरीर होने के कारण अभिलाषा आएगी आणि शरीर असल्यामुळे अभिलाषा येते लेकिन उन्ही लोगों में आती जो ज्यादा त्याग नाही करते जो बायबल नाही पढते प्रार्थना नाही करते आणि त्याच लोकांमध्ये येते जे लोक प्रार्थना नाही करत बायबल नाही वाचते प्रयोग जो लोग ज्यादा प्रार्थना करते उनका शरीर उनके वश में रहता आणि जे लोक जास्त प्रार्थना करतात त्यांचं शरीर त्यांच्या नियंत्रणात प्रार्थना के द्वारा क्या होता है शरीर कंट्रोल में रहता आणि प्रार्थनेच्या द्वारे शरीर नियंत्रणात राहतं वचन के द्वारा शरीर कंट्रोल में रहता वचनाच्या द्वारे शरीर नियंत्रणात राहतं अगर सोचो मेरी ऐसी इच्छा होगी की मैं पाप करूं आणि माझी अशी इच्छा झाली की मी पाप करावं तर परमेश्वर का वचन मुझे क्या बताएगा मैं पढ़ रही हूं इसलिए मेरे अंदर से वचन बताएगा नहीं करना नहीं करना आणि मी देवाचं वचन वाचते म्हणून देवाचं वचन मला सांगेल की करू नको वचन मेरा मार्गदर्शन करेगा वचन माझं मार्गदर्शन करेल अगुवाई करेगा माझी अगुवाई करेल क्या होगा काय होईल जो मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु मेरे अंदर तो अभिलाषा आ चुकी है प्रभु माझ्यामध्ये अभिलाषा आलेली आहे मुझे ये पाप करने की इच्छा हो गई मला हे पाप करायची इच्छा प्लीज आप मुझे मदद करो प्लीज तुम्ही मला मदत करा मेरी इस प्रार्थना से प्रभु मुझे कृपा देगा आणि माझ्या प्रार्थनेमुळे देव मला कृपा देईल मदत करेगा मला मदत करेल पाप नहीं करू मी ते पाप करू नये क्योंकि मेरी निर्बलताओं में ही परमेश्वर यीशु मसीह बलवान हो जाता आणि माझ्या निर्बलतेमध्येच येशू ख्रिस्त बलवान जब मैं निर्बल जेव्हा मी निर्बल तब मसीह बलवान तेव्हा ख्रिस्त बलवान आपको समझा इसीलिए मेरे महाप्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपना जीवन इस संसार में फंसाने के लिए अपने संसार में लगाने से अच्छा अभी समय निकट आया है इसलिए उसमें से बाहर निकलो अलग हो जाओ आणि आपलं मन या जगामध्ये लावण्यापेक्षा आता वेळ जवळ आले आहे म्हणून मन फिरवा जी संसार में हम हमारा मन लगा रहे जे जगात आपण आपलं मन लावतो संसार मिटने के लिए नजदीक आया है ते जग मिटण्यासाठी आता जवळच आले आहे संसार हमारा नहीं है म्हणून जग आपलं नाही इसलिए हमारा संसार नहीं हम हमारा मन उसमें नहीं लगाए जग आपलं नाही मग आपलं मन आपण त्यांच्यामध्ये लावू हमारा मन कहा लगाना चाहिए जहा
जहाँ यीशु मसीह आज भी विद्यमान है आपले मन आपण कुठे ठेवले पाहिजे जिथे आज ही यीशु ख्रिस्त विद्यमान आहे परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आज हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है वहां पर हमारा मन स्वर्ग में लगा रहा है आणि आपले मन आपण स्वर्गामध्ये लावले पाहिजे इसलिए हम हमारे मनों को इस संसार में कुछ न कुछ पाने के हेतु से नहीं लगाना है आणि काही ना काही प्राप्त करण्याच्या हेतूने नाही लावायचे इसलिए अगर अभी भी आपका जीवन पाप में है आता ही तुमचे जीवन पापामध्ये आहे बाहर हो जाओ तो बाहर ये ऐसा ना हो कि आज ही अगर रैप्चर हो गया आणि आज जर रैप्चर झालं तो यही रह जाओगे मग इथेच राहाल इसीलिए मन फिराव हर समय हर क्षण में मन फिराव प्रत्येक वेळी प्रत्येक क्षण मन फिरवा इसलिए वहां लिखा है मन तिकडे लिहिलंय यास्तव शांत चित्त व मर्यादेशील असा मर्यादेशील असा याने तुमची मर्यादा काय आहे ते समजूनच तुम्ही वागा माहिती पडला मर्यादा म्हणजे काय मला एक लिमिटेशन आहे अनुजे एखादे जसं मला मला आता हे बाउंड्री का दिली आहे अनुजे बाउंड्री क्यों दिली आहे मी प्रचार करताना खाली उतरू नये प्रचार करते समय मी नीचे नहीं जाऊं येऊ नये और आपने आऊ नये आणि मी प्रचारक आहे और मी प्रचारक मी प्रचार करते मैं प्रचार कर रही हूँ तुम्ही इथं आत पुढे आत येऊ नये इसलिए आप अंदर नहीं आए तुमची मुलं आत येऊ नये आपके बच्चे अंदर नहीं आए जेव्हा ती सभा चालू आहे जब सभा चालू आहे देव चालवतोय प्रभु चला रहा है कोई डिस्टर्बेंस करो नहीं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करो नहीं बांधे इसलिए ये बांधा गया है सुरक्षा साठी किंवा कोणी मला मारू लागेल म्हणून नाही बांधले और कोई मुझे मार डालेगा इसलिए नहीं बांधे याची मर्यादा ह्याचं काय केले मला पण एक मर्यादा दिली आहे की मला प्रीचिंग करताना एकदम ओव्हर स्मार्ट नाही झाले पाहिजे की मी तुमच्या मध्ये जाते आणि तुम्हाला टच करते आणि तुम्हाला आशय शिकत काय काय ती एक मला मर्यादा वाटत तुम्ही माझ्या मर्यादाच्या बाहेर मी हद के बाहर में नहीं जाओ अपन ख्रिस्ती आहो हम मसीह हैं तो ख्रिस्ती होने के नाते हम कैसे जीना चाहिए वैसे ही करना उससे बाहर नहीं जाना अरे ख्रिस्ती असल के नाते तसच करा आप त्याच्या बाहेर जाऊ नका इससे शांत रहेगा हम शांत रहो मर्यादा में रहेगा आणि मर्यादित राहो और म्हणजे तुम्हाला प्रार्थना करता येईल हाँ आप क्या कर पाओगे हर बात के लिए आप प्रार्थना कर सकोगे प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही प्रार्थना करू शकता यही इच्छा है कि हम प्रार्थना करें आणि देवाची इच्छा आहे की आपण प्रार्थना करावी 6 दिन में हम कंटिन्यूअसली प्रार्थना के बारे में सिखाए आणि 7 दिवस कंटिन्यू आपण प्रार्थनेबद्दल शिकलो फ्रायडे के दिन 32वा का शिक्षण था बाकी मंडे से लेके सैटरडे तक हमने प्रार्थना के बारे में सिखाया आणि सोमवार ते शनिवार आम्ही प्रार्थनेबद्दल शिकलो क्यों इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ की बहुत आहेत लोगों की जीवन जो हिंदी में हमारा लिखा है सब बातों का तुरंत होने वाला है सचेत होकर प्रार्थना में लोभी रहो तो इसका अर्थ कैसा है ऐसा अर्थ कैसा है आज आपके जीवन में जो आप दुख उठा रहे हो आज तुम तुमसे जुड़ा हुआ जैसे दुख होता है जिस व्यक्ति से आप दुख उठा रहे हो या व्यक्ति को भी तुम्हें दुख होता है ऐसा मत सोचना कि ये व्यक्ति हमेशा आपको दुख देता ही जाएगा तुम्हें ऐसा विचार करना था कि हाँ मानो सवाल नहीं भी दुख देता है बात को अंत है प्रत्येक कोशिश अंत है जब संसार मिटने को अंत है तो फिर प्रयोग जो मनुष्य जी रहा है जो मनुष्य काम कर रहा है उसको भी अंत है एंड जब नष्ट होने से जरा जग नाश करायला जर जगाचा अंत आहे तो ठरलेला आहे तर मग प्रियानो जो माणूस तुम्हाला त्रास देतो तुमच्या घरात राहतो तुमच्या संगती राहतो तो जे वाईट तुमच्याकडून करतो त्यालाही अंत आहे शेवट प्रत्येक गोष्टीला हरेक बात को अंत आदि और अंत प्रभु ईश्वर आदि आणि अंत यीशु ख्रिस्त आदि याने परमेश्वर के पहिले कोई नहीं था आणि देवाच्या पहिले कोणीच नव्हतं ईश्वर ही देवच आहे तिसरं कहते हैं मैं आदि म्हणून तो म्हणतो मी सुरुवात मैं आणि मी शेवट इसीलिए अभी जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ आपके सोचो घर के कोई लोग आपको दारू पी पी कर बहुत सताते होंगे हम तुमसे घर के लोगों तुम्हारा दारू पीने खूब सदो दस्ते ऐसा मत सोचो कि सदाव बहुत बड़ा है इसको भी अंत है हम तुम्हें ऐसा ना कर विचार बोला सदाव को कौन है ना ही अंत परमेश्वर उसको भी अंत करने के लिए सामर्थ्य है देव कहता है शेवट करने से सामर्थ्य है करना क्या है करे सब आया वहाँ लिखा है शांत रहो जो देखने के लिए शांत रहे दारू पिए व्यक्ति से झगड़ा मत करो हम दारू पीने व्यक्ति से भांडण करो ना मुंह को मुंह मत लगो ऐसा तोड़ना से तोड़ लाओ वो जो गाली देता है दारू पीने वाला क्या बोलता है आई लव यू बोलता है क्या हम दारू पीने वाला आई लव यू बोलते हैं समय में तो तुझे आएगा ऐसा बोलता है ना गाली निकालता है शिवा काट दो ना माँ को भी आई लव यू बाप को भी बोलना ना बाप को भी बोलता है तुझे आएगा माँ को भी बोलता है तुझे आएगा बीवी को भी बोलता है तुझे आएगा बच्चों को भी बोलता है तुझे आएगा बाजू वाले आले आले काय करतो ते तुझे आएगा बरोबर आहे सही बोलते सही बात है यही बोलते हैं ना यही बोलते हैं ना वो मुंह ही बोलता रहता है तेरा सब बोल रहा है उसके अंदर की दारू बोल रही है हम तेंचा मुझे दारू बोल रहा है दारू पीने वाला दारू पीने वाला आदमी नहीं बात करता है दारू पीने वाला मानुस नहीं बोल रहा परंतु उसके द्वारा कौन बात करता है शैतान बात करता है तेंचा द्वारा शैतान बोलता है वो दारू बात करती है दारू बोल रहा है देखो वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है नीति वचन में नीति सूत्र मध्य स्पष्ट रीति ने लिखा है तो आपको मालूम है इसलिए ना दारू पीने वाले के मुंह को नहीं लगने का दारू पीने वाले मुंह को
इंसिडेंट नहीं करेगा मुझे तो मैं कभी नहीं लगा ऐसे वही बोलने का नहीं तो फिर शांत रहने का 23 अध्याय नीति वचन अध्याय 23 नीति सूत्र अध्याय 23 अगर आप में से कोई दारू पीता होगा तो दारू पी रहे तुमच्या मध्ये प्रिय आपको देखो प्रभु वचन क्या देता है देव तुम्हाला वचन काय देतो 30 वचन से करो 30 वचन वचन आपण वाचो यातना व दुःख यांनी कोणाचे अंतःकरण भरलेले असते बरे नेहमी भांडण तंड कोण करीत असतो बरे हा हमेशा झगडा कोण करताय लाल गुंड डोळ्यांचा आणि शरीरा लाल गुंड डोळ्यांचा दारू पिणे किंवा लाग लाग होती होती आहे ना लाल अशी लाल लाल गोळी होती इसलिए तो बीवी लोग समझते हैं ना दारू पी क्या है अभी देखो मेरी आंख लाल है माझे डोळे लाल आहे आप क्या आंख लाल है तुमचे डोळे लाल आहे का शैतानाचे पण डोळे लाल असतात जेव्हा आपण दृष्टांत दिसायला जेव्हा तुम्हाला दृष्टांत दिसेल लाल दिसतात काळा 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 लाल 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 आणि लाल लाल डोळे माझ्या समोर जेव्हा मृत्यू साधन आला होता 1995 आणि 1995 मध्ये उशी दिन मेरा उद्धार हुआ तेव्हाच माझा दादा 10 जून महिने बोला उशी दिन अच्छा बाबा आया मृत्यू कारण आणि चांगलाच झाला मृत्यू साधन तो आया इसलिए मी उद्धार पा सके आणि तो आला म्हणून मला कारण मिळतो आया तो आला मुझे लेके जाने के लिए मला घेऊन जाण्यासाठी मी घाबरली पूरा कहाँ जाना है इसे स्वरूप नहीं मतलब बोलते ना जैसे दो हाथ है दो मेन है दो ऐसे स्वरूप नहीं अंतरा स्वरूप नहीं है आकार नहीं है अंतरा आकार नहीं है साया जैसे साया जैसे मेरे निकट निकट आ रहा था सावली सर को तुम्हारे सब लोग याद आते हैं कि उसके लाल लाल जैसे डोले हो गए थी बदबू थी घान वास होता कैसी बदबू थी गटर को संडास को कैसी वास रहती है अभी गटर दर की संडास ना कैसा वास होता वैसे अभी मेरे यहाँ छाती में गंधक रहता है गंधक स्फटिक उसका स्मेल कैसा रहता है गंधक का वास कैसा होता गंधक मुझे तो गंधक नहीं तो लगता वो एक रसायन है जमीन से निकल रहा है गंधक और स्फटिक उसका स्मेल कैसा रहता है वैसे सेम स्मेल आ रहा था अंदर से सेम वास है अभी तो मुझे जल रहा है अरे मतलब छाती में तो जल रहा है वो आग कैसा जल रहा है अभी आप उंगली जली होगी ना आपको तो अगर भाजने लगता है तो जला होगा तो जलता कैसा है वैसा सेम जो जलने लगा अंदर से सेम ही जो जलने लगा छाती में मुझे ऐसे कोई मरोड़ रहा है सुई चुभा रहा है ऐसा दर्द आने लगा बहुत दर्द फिर मैं रोने लगी मैं बोली हे गणपति मारा वाचो हे साई बाबा मारा वाचो हे रुद्रा मारा वाचो हे साई बाबा मारा वाचो करैना बाबा हे अल्लाह मेरे को बचा हे मोहम्मद पैगंबर मुझे बचा हे साई बाबा सगळ्यांना आंबेडकरांना महावीराला गौतम बुद्धांना सगळ्यांना मी आवाज आहे सगळं मी आवाज आहे मला वाचो मला वाचो मुझे बचा मुझे मरना जसं एवढ्या जवळ आला म्हणजे तू नजीक आला मी थोडे बंद करून म्हणले हे परमेश्वर ज्या देवाने मला बनवलं त्याच्याशी मी बोलते जर तू खराच देव असशील तर मला वाचवशील नाही तर मी समजेल देव नाही सगळं खोट आहे अजेच परमेश्वरने मुझे बनाया व तू मुझे बचा नाही तर मी समजू मी कोई परमेश्वर नाही जसं तुम्ही माझा आवाज ऐकता तसं मी त्याचा आवाज ऐकला जसे आप मेरा आवाज सुनते वैसे मैंने भी उसका आवाज सुना मी तुम्हाचं नाव घेते राजापासून प्रादूर आहे मला चाकून पण की तू निगेली गोड आहे एकदा जर तू मला तुझ्या जीवनात राजा म्हणून बोलवशील मी तुला कधी सोडणार नाही कधी द्यायला नाही मी विचारलं तुम्ही कोण आहात मी पूछा आप कौन है बोला मी यीशु नासरी आहे उसे कहा मी यीशु नासरी हूँ आपको वाइट वाटर में लड़ाई लगी अब मेरे को देखे पर मैं करता रहता था आपका बोले होती थी लाल लाल डोले तेजे से मोस्ट तेजे से लाल लाल भर डोले थे अब मैं रुके तो मैंने उस आत्मा को देखा पर मैं त्याग में बस उन आत्मा चल दिए वाइट तो है मैं स्वार्थी ये तो नहीं यीशु का ग्रहण किए पर मैंने स्वार्थी हेतु से यीशु को ग्रहण किया मारा ही सनम तो मनो यीशु का ग्रहण मुझे मरना नहीं था ऐसे मैंने यीशु को ग्रहण किया प्रेम नो के यीशु और मुझे कुछ प्यार नहीं था यीशु के ऊपर एक तरह भी प्रेम मला त्या मृत्यूपासून वाचायचं होतं मुझे स्मृतीचे वचना था आणि मला मरायचं नव्हतं आणि मुझे मरना नाही था आणि त्या छातीच्या ज्या ज्याला छातीच्या काळा असतात ना तोच ते समजू शकतो की त्या दुखणं काय असतं छातीचं दुखणं और छाती का जो वेदना होता है वो ही समझ सकता है जिसको वायाचं दुखणं हे सर्व आपण सहन करू शकतो पण छातीचं दुखणं ते वेगळंच विधीचं असतं ते खूप त्रास देतात और छाती का दर्द बहुत तकलीफ देतात घाम घाम असं सुटत असतो कळत नाही काय करावं काय करावं समजत नाही असं और समस्या नाही जसं मी काय करणार प्रभूने मेरे अंदर प्रेम डालवून मुझे बनाया जसं मी म्हटलं प्रभू येशू मी तुला माझ्या जीवनात राजा म्हणून बोलवते प्रभू येशू ने मेरे जीवन में तुझे राजा म्हणून स्वीकार करते तत्क्षणी तो आत्मा गायब उसी समय वो आत्मा गायब हो गया छातीचा गळा बंद जो होता है वो बंद हो गया
माझा जी जळण होती ती गेली, माझं जलन होती ती भूमी जळून गेला और बदबू चली गई। उन्होंने सांगू शकते दुरात्मी कसे दिसतात, उसे मैं आपको बता सकती हूँ कि दुष्टात्मी कैसे दिखती है। झाडेत ना झाड़, झाड़ है, झाड़ तो सब पेड़ है ना, पेड़ है ना वो। रात्रीच्या वेळेला झाडाला बघा तो कसा दिसतो झाड, रात के समय झाड़ को देखो देखो कैसे दिखते हो लोग, कसं दिसतं। अच्छा इथे इमेजिन करा की ते झाड पळते, और इमेजिन करो कि वो झाड दौड़ रहे हैं, त्याचा जो दुधा है ना झाड़ा उसका जो ते काय म्हणजे ते चालते असं बघा तसं वाटतं पोचायला तसेच असं दुसरा ऐसे तिथे दुसरा। आणि मी एकदा दोनदा नाही खूप वेळ बघितली म्हणून मी तुम्हाला सांगू शकतो, अगदी बहुत बार देखायची मी आपण बता सकते। म्हणून प्रियांनो हे जे डोळे दिसत ना दारू पिणाऱ्यांचे पण डोळे लाल का दिसतात, दारू पिणेवाले लोक की असे लाल की त्यांनी आत्म्यांना पिलेलं असतं की उन्होंने आत्माओं को पिया है, आत्म्यांना पिलेलं असतं, दुष्ट आत्माओं को पिया है। म्हणून दुरात्म्यांचे त्या माणसाचे डोळे म्हणून तो माणूस नाही दिसत, ते लाल डोळे म्हणजे तो दुष्टात्मा बघत असतो, तिथे वो मनुष्य नाही दिखता पण जो दुसऱ्या दुष्टात्मा आहे वो दिखता रहता है। जो दारू पितो, जो दारू पिता आहे तो माणूस त्यावेळेला तो गुलाम झाला, बेसूद झाला, अगो मनुष्य एकदम बेहोस हो गया है, बेसूद बेसूद म्हणजे बेहोश आली गे, हा बेहोशी बोलो या क्या बोलो सुनो गया कोमा में गया ऐसा बोल सकते हो नहीं सकता। वो बॉड उसके अंदर जो दारू की आत्मा है ना त्याच्यामध्ये जी दारूची आत्मा वो चला रही है, अंतिम चालू होते मालूम हुआ उस रीति से। तो इसीलिए वहां लिखा है दारू पीने वाले लोगों की आंखें लाल होती है आणि शरीरावर अनेक जख्म असलेला कोण असतो बरे, जो दारूच्या गुत्त्यामध्ये तासन तास बसतो। हा जो दारू पित आहे त्याचा समय बिताता आहे, उसकेचा समय देत आहे, हा चिअर एन्जॉय करत आहे आणि दारूच्या नव्या मिश्रणांची चव घेतो। हा नाही नाही आज वाईन पिय चलो आज गावठी पिएंगे, चलो आज सोडा के साथ पिएंगे, नाही आज पाणी के साथ पिएंगे, वैसा नाही नाही तरीके से तोच हा होय। दारूचे लाल चमकदार बुडबुडे आणि तिची जिभेवर रेगाळणारी चव यांचे तुला भुरळ पडू देऊ नको। हा इसीलिए जो वो ग्लास में डाली जाती है ना इसलिए तू भुरळ भुरळ नंतर कसं त्याच्या मागे जाऊ नको, वेळा अगदी गुंग होऊ नको, म्हणून ही जेव्हा टाकत असत तेव्हा तू बघू नको, कारण दारू शेवटी विषारी सर्वाप्रमाणे दंश करते। इसलिए दारू जो लोक पिते ना इसलिए दारू को कमी मत देखो, क्लास में गिरते समय वो याद मत करो। दूसरी बात यहाँ जो दिया है वो एक विष है, जहर है, पुरुषाप्रमाणे चावा घेते क्या करते हैं जैसे सांप जैसे आखिर में काटता ही है वैसे वो काटेगा। तुझ्या डोळ्यांपुढे चित्र विचित्र, हाँ तेरे आंखों के सामने तूने पी लिया, आप तेरे आंखों से कौन देख रहा है वो दुष्टात्मा देख रहा है, इसे उसको क्या दिख रहा है चित्र विचित्र। पिताजी को देखा वडिलांना बघितलं, विचित्र रंगी बेरंगी आकृती दिसते, तुला भ्रम होईल आणि तू बरळशील, तुझे भ्रम होगा ये कोई मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, और क्या होगा काही बरळशील है ना, बरळतात ना काही माणसं विचित्र रीतीने काही बरळतात ना बरळतात। म्हणून म्हणतात दारू पिणाऱ्याच्या तोंडाला तोंड लावायचं नाही, म्हणून दारू ख्रिस्ती लोकांनी तर कधीच पिलं नाही, नाही तर आत्मा आले अनुसी लोकांनी दारू नाही पिण्याची, नाही तर फिर आत्मा अंदर आता जी राहिली गोष्ट तुमच्या घरात कोण दारू पित असेल तरी बात आपली घर मी कोणी दारू पिता होगा, जेव्हा ते बोलतात ना तर जेव्हा वो बोलते तुमच्या विरुद्ध काहीतरी बोलतात, आपके विरुद्ध मी कुछ बोलते मला काहीतरी शिव्या देतात, आपण गाली देते तर त्याच्याशी लढून काही फायद्याचं, तो गुस्से लढकर कोणी फायदा नाही, त्याचा अर्थ आहे तुम्ही सचेत राहून प्रार्थना चुप रहना, त्याचा अर्थ आहे काय करणं आतून प्रार्थना करणं, प्रभू
हा जो लाल डोळेवाला भूत आलाय, अरे जो लाल आंखवाला भूत आया है, माझ्या नवऱ्यामध्ये, मेरे पति, माझ्या मुलामध्ये, मेरे बच्चे, माझ्या भावामध्ये, मेरे भाई में, तुझ्या माझ्या येशू के नाम से शांत रहना। दारू पिलेल्या माणसाला तुम्ही काही मागायचे ऐकणार आणि दारू जो पी हुए व्यक्ती वो कुछ भी बोलेगी तो वो सुनेगी ना, म्हणून त्यावेळेला बोलणं हे व्यर्थ आहे, उस समय बोला ही व्यर्थ है। आमची ओळख जी जुनी ओळख होती ती जुनी ओळख काढली, अजून जुनी पहिचान ती निघाली आणि मला प्रार्थना करून इथे गेला, प्रार्थना करते लिहिता उचला गेला। म्हणून खूप जेव्हा एखादा माणूस दारू पिला ना तेव्हा खूप बुद्धीने बुद्धीने बोलायचं असतं, दारू पिया तो उसके सामने तू झगडा क्यों करते, तू झगडा क्यों करते, तू झगडा क्यों करते, वो पैसा नहीं देगा, नहीं देगा दे ऐसे ही रहने का बिना पैसे का माझ्या नवऱ्याच्या पैशांवरती माझा हक्क आहे प्रभू, तू मला मदत करू शकतोस, प्रबंध करू तुम्ही माझा पैशाचा प्रबंध आणि ख्रिस्ती असल्याच्या नाते आपण देवाला बोलायचं, प्रभू व्यक्तियोग बदलत आहे, देव माणसांना बदलतो, ही तो एक सामर्थ्य प्रार्थना, हे सारे सामर्थ्य प्रार्थनेमध्ये, प्रार्थना का हे सामर्थ्य की परमेश्वर प्रार्थना से मनुष्य को चेंज करता है, आणि प्रार्थनाचं हे सामर्थ्य आहे की प्रार्थनेच्या द्वारा देव माणसांना बदलतो। प्रत्येक गोष्टीचा अंत लवकरच होणार आहे, सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में जो दुख है उस दुख का भी अंत होने वाला है, आणि आपल्या जीवनामध्ये जे दुःख आहे त्याचाही शेवट आहे, इसलिए हर दुख को अंत है, प्रत्येक दुखाला शेवट आहे, की जीवन में हमेशा दुख नहीं रहेगा, आणि तुमच्या जीवनामध्ये नेहमी दुःख नाही राहणार, हमेशा आपका पति आपसे बहुत दूर आपको नफरत कर रहा है, आपको हर्ट हेट कर रहा है, ऐसाही अंत तक नहीं रहेगा, आणि नेहमी तुमचा नवरा तुमच्यापासून लांब आहे असं नाही राहणार, बस प्रभूशी प्रार्थना करते रहो, बस फक्त देवाकडे प्रार्थना करत राहो, प्रभू बदलेगा, देव बदलेल, प्रभू पकडेगा, देव पकडेल, एक बार प्रभूने पकडली ना तो प्रभू मालूम है कैसा चेंज करना, आणि जर एका देवाने पकडून घेतलं तर देवाला माहिती आहे कसं बदलायचं, इसलिए प्रभू पर धीर धरे, म्हणून देवावरचे धीर धरून असे यहां सब बातों का अंत होने वाला है, सचेत रहकर प्रार्थना करो, प्रत्येक गोष्टीचा शेवट लवकर होणार आहे म्हणून सचेत राहून प्रार्थना करा, तो कुछ भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिती आहे, हमको हर्ट करे, हमें तकलीफ दे, तो जाकर दारू नहीं पीना, परंतु क्या करना है, प्रार्थना करना, आपल्या जीवनामध्ये कोणतीही परिस्थिती आहे लगेच जाऊन दारू नाही पाहिजे पण प्रार्थना करा, आपल्या जीवनात कोणतीही भी परिस्थिती आहे आपले जीवन तो अंत नाही करणार, मार नाही राहणार, आणि आपल्या जीवनामध्ये कोणतीही परिस्थिती आहे लगेच आपल्याला स्वतःला मारू नाही घ्यायचं, जा के कडे के ऊपर जा के पहाड के कडे आणि पहाड के ऊपर कडे आणि कडे के ऊपर जाकर देखे छोड़ देता, आणि डोक्याच्या कड्यामध्ये जाऊन लगेच मी स्वतः टाकून देतो असं करू नका, आपला जाम कमी म्हणतो कमी क्यू क्योंकि प्रियो आगे हमारे लिए प्रभु ने अच्छा रखा है, का कारण पूरे देवा ने अपने सारे सामने ठेवले जियो उन जगह प्रार्थना पूर्वक जगह, परमेश्वर की इच्छा की किसी भी वस्तु से आप हारो मत, हाँ देव जी से की कोणत्याही गोष्टी में तुम्हें हारू नहीं, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करत रहो, इसलिए तो प्रभु बता रहे की तुम याव न छोड़ो इसलिए तुम प्रार्थना करो,
आणि तुम्ही हेव सोडू नये म्हणून प्रार्थना करा. इसलिए हम हारे नहीं, आपण हरू नये. हारा हुआ जीवन कभी नहीं चाहता. हारलेले जीवन देवाला नको. प्रभु चाहता है हम विजयी जीवन. देव इच्छे की आपण विजयी जगावं. विजयी जीवन हम कैसे पाएंगे? प्रार्थना से पाएंगे. आणि विजयी जीवन आपल्याला कसं भेटेल? प्रार्थनेच्या द्वारे. इसलिए हमारे घर के लोग हमें सताते बोलकर हम उनसे नफरत नहीं करना, हेट नहीं करना, उनको श्राप नहीं देना. आणि आपल्या घरातील लोक आपल्याला सतत म्हणून त्यांना तुम्ही श्राप देऊ नका. परंतु परिस्थिती चेंज होणार आहे, परिस्थिती बदलायची, घर के लोक बदलना है, घरातल्या लोकांना बदलायचं आहे. तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. यूट्यूब वरती तुम्ही बघू शकता. प्रार्थना प्रार्थनेच्या विषयी उपवास प्रार्थनेमध्ये शिकवले. कोण प्रार्थना करत हरू ना, हरू ना, प्रभू अच्छाही करे, देव चांगलंच करे. परमेश्वरने आपला इकलौता पुत्र हमारे लिए रत्न जोडकर हमारे लिए दिया, तो क्या वो दुसरी वस्तू नाही देणार? ज्या देवाने आपला पुत्र स्वतःसाठी न राखून ठेवता आपल्यासाठी दिला, मग तो सगळ्या गोष्टी आपल्या देणार नाही. हम जैसे व्यक्तियों को चेंज किया तो हमारे घर के लोगों को चेंज नहीं करेगा. आपल्यासारख्या लोकांना देवाने चेंज केलं तर आपल्या घरातल्या लोकांना तो बदलणार नाही का? बदलेल ना, बदलेल ना. हमारे घर के लोगों को भी बदले, घरातल्या लोकांना पण. जो परमेश्वर ऋतू बदलता है, आणि जो देव ऋतू बदलतो, तो परमेश्वर मनुष्य पण बदलेल, तो देव माणसाला पण बदलेल. हमारा परमेश्वर कभी बदलता है, आपला देव कधी बदलत नाही. मनुष्य को जरूर बदला, पण माणसाला नाही बदलतो. हारो ना, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, तुमच्या जीवनात जी काही परिस्थिती आहे, किस व्यक्ती से आपको तकलीफ है, आणि कोणत्या व्यक्तीपासून तुम्हाला त्रास आहे, सिंगली उस व्यक्ती के लिए आता या वेळेला त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना बंद करू. डोळे बंद करा. और आप जैसे चाहते हो कि वो व्यक्ति कैसा हो, आणि तुमची जशी इच्छा आहे की त्या व्यक्तीने कसं असावं, वैसा प्रभु के सामने प्रार्थना. तसं देवाकडे प्रार्थना. आपल्या जीवनात काय चाहिए, तुमच्या जीवनात काय पाहिजे, कोणती बातों का अंत होना चाहिए, कोणत्या गोष्टीचा शेवट झाला पाहिजे, वो भी जल्दी होने वाला है, तो आता लवकरच होणार आहे. कोणती बातों का आपको अंत जल्दी चाहिए, वही बातों को प्रभु के सामने रखो. आणि कोणत्या गोष्टीचा शेवट तुम्हाला लवकरच पाहिजे, त्या गोष्टी देवासमोर ठेवा. प्रार्थना में ऐसा नहीं बोलना, कोणत्या माणसाचा अंत मागू नका. उस मनुष्य के पीछे जो बुराई है, उस बुराई का अंत मांगा. ज्या त्या माणसाच्या मागे जे वाईट पण आहे, त्या वाईटपणाचा तुम्ही शेवट मागा. लेकिन किसी मनुष्य का अंत नहीं मांगना. पण कोणत्या माणसाचा शेवट तुम्ही मागू नका. वो प्रभु के हाथ में, ते देवाच्या हातात आहे. बंद करेंगे, डोळे बंद करू. और आपको आपके जीवन में चल रही जो भी परिस्थिती आहे, उस परिस्थिती के लिए आप अंत मान सकते हैं. आणि तुमच्या जीवनात जी परिस्थिती चालली आहे, त्या परिस्थितीसाठी तुम्ही शेवट मागू शकता. दुःख सुख में बदलने के लिए मांग सकते. तुमचं दुःखाचं रूपांतर सुखामध्ये होण्यासाठी तुम्ही मागू शकता. आपके जीवन में जो लोग दर्द दे रहे वो चेंज होने के लिए मांग सकते. आणि तुमच्या जीवनामध्ये जे तुम्हाला त्रास देते, त्या लोकांसाठी तुम्ही मागू शकता. वो व्यक्ति बदलने के लिए और नई उत्पत्ति मसीह में बनने के लिए, नई सृष्टि बनने के लिए प्रभु से मांग सकते. तो व्यक्ती बदलण्यासाठी आणि एक नवी सृष्टी बनण्यासाठी तुम्ही देवाकडे मागू शकता. अभिषेक घडी प्रभू से मांगो. पण आता या वेळेला देवाकडे अभिषेक घडी, आता या वेळेला अभिषेक घडी, आता या वेळेला. पण अगर आपको बीमारी तकलीफ दे रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से या महीनों से, वो उसका भी अंत आप मांग सकते. आणि खूप वर्षापासून, खूप महिन्यापासून जे आजार पण तुम्हाला त्रास देते, त्याचा पण शेवट तुम्ही मागू शकता. गरीबी है, गरीबी तकलीफ है, त्रास आहे, या कोई संकट है, किंवा कोणतं संकट आहे, बातों के लिए आप अंत मांग सकते. प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही शेवट मागू शकता. वचन दिया कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सचेत रहकर प्रार्थना करें. तो आज हम प्रार्थना करते प्रभु, इनके जीवन में चल रहे हर एक दुखों का अंत अभी तुरंत ही होने वाला है, इसलिए प्रभु संयमी रहकर सचेत रहकर प्रार्थना करना है. तो आज इन्होंने प्रार्थना की है एक एक विषयों के लिए, एक बातों के लिए. प्रभु तूने पवित्र पिता इनको दुख को सुख में बदलने के लिए निर्णय लिया है. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनके नाना प्रकार के विषयों को प्रभु पवित्र पिता आपके हाथों में दिया है. इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना प्रभु पवित्र पिता. इन सबके जीवन में चल रही सारी परिस्थितियों को अभी तो अंत तुरंत आप करने वाले हो.
इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सबको आपके लहू तले लाते हमेशा प्रार्थना में लहू लेने के लिए मदद करना, जैसे आपके वचन में लिखा है 5:17 में प्रभु थिस्सलुनीका की पहली थिस्सलुनीका की पत्री में निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो प्रभु ये मसीह है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो प्रार्थना की सेवा, मध्यस्थी की सेवा जो इनके कंधे पर तुमने दी है, मेल की सेवा प्रभु, वो सेवा ये करने के लिए मदद करना, हमेशा प्रार्थना में लवली मिलने के लिए मदद करना। हर परिस्थिति से हारे नहीं परंतु प्रार्थना करते रहे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे प्रभु। हाँ प्रभु, तू सब कुछ कर सकते, मेरा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता, अब प्रार्थना से प्रभु तूने पवित्र पिता राष्ट्र को खड़ा किया है, प्रार्थना से तूने प्रभु मनुष्य को खड़ा किया है, प्रार्थना से प्रभु तूने बच्चे का दान दिया है, प्रार्थना से प्रभु तूने धन दिया है, प्रार्थना से तूने प्रभु लोग दिए है, प्रार्थना से क्योंकि तूने कहा है तू मांग मुझसे, प्रार्थना करके अपने लोगों को मांगने के लिए लोगों को देगा, जाति जाति के लोगों को भी मुझे देगा। कितना बड़ा हथियार तुमने प्रभु प्रार्थना किया है, इसलिए इन सबको इस्तेमाल करने के लिए सहायता करना। हर परिस्थिति में प्रभु इनको खास करके ज्ञान होने देना कि जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं उनके पीछे कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा मुझसे लड़ रही है। मेरे लोग नहीं लड़ रहे, उनके अंदर से दुरात्मा लड़ रही है। वो पहचानने वाला दान दे प्रभु, तेरा वचन कहना है ना, कहता है ना पवित्र आत्मा का दान है आत्माओं की परख। तो प्रभु इनको आत्मा की परख ये दान आने के लिए मदद करना प्रभु। अपने लोगों से नाराज या अपने लोगों से झगड़ा, अपने लोगों से बुराई नहीं करे परंतु तो अपने लोगों को प्यार करे और उनके अंदर के द्वारा काम करने वाली आत्मा से लड़े। ये मेरी खास बिनती है, इन्हें आत्मिक युद्ध करने के लिए मदद करना, इन सबको सचेत करना, इन्हें प्रभु जागरूक रखना, आपका ज्ञान इन सबको आने के लिए सहायता करना, इन सबको आपके नाम से आशीषित करो। आशाबाद इन पालन के शबाद इन भी सारी आशीषित देना, धन मान सम्मान से दीर्घ ऐसे तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना प्रभु। इनका बीपी शुगर हमेशा कंट्रोल में रखना प्रभु, इनको कोई भी मूड खराब पर और पिताशी का खड़ा आने नहीं देना, इनकी किडनी हमेशा नॉर्मल रखना प्रभु, इनके शरीर का एक एक पार्ट्स प्रभु, एक एक अंग प्रभु आपकी महिमा करे, कोई भी बीमारी इनके अंग को लगने नहीं देना प्रभु। पवित्र पिता इन सबके शरीर को आज आपके नाम से शुद्ध और पवित्र कर दे। धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता, आज सातवा दिन का सारा आशीष प्रभु प्रभु यीशु के नाम से इनके ऊपर रख ले, इनके जीवन में चल रही सारी बातों का अंत अभी होने ही वाला है, ये आशीष प्रभु इनके ऊपर रखते हैं प्रभु। इसलिए कुछ भी हुआ तो तुरंत बोला अभी तो अंत होने ही वाला है, इस बात को स्मरण बोलते ही हुए वो अंत को देखने के लिए सहायता करना, रक्षा करना, सुखी लेना इनके और प्रभु इनके घर में सदा शांति रखना, इनके मनोरथों को पूरा करना और प्रभु इनके घर में हमेशा शांति रखकर भरपूरी रखना, कि अभी किसी चीज की कमी और घटी मत रखना प्रभु। कोई कविता इनके लोग इनको मिलने के लिए और ये सब मिलकर पुरुष उठाकर तेरे पीछे चलने के लिए कुछ सहायता। धन्यवाद देते बेटा, धन्यवाद मेरे राजा मेहमान पवित्र। होता है लोगों को संडे को छुट्टी नहीं प्रभु, उनको संडे को छुट्टी मिलने के लिए सहायता करना प्रभु। आप चर्च में जाने के लिए तो मदद करना प्रभु, हर एक जन शबा दिन पालन करने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता ज्यादा आपको प्यार करने के लिए और ज्यादा आपके करीब आने के लिए मदद करना। हर एक जन जैसे तेरा वचन देकर हर पुरुष अपनी पत्नी अपने बच्चे अपने माता पिता और अपने दास दासियों के साथ तेरा आराधनालय में आने के लिए प्रभु तुमने आज्ञा दिया है, इसमें हर एक जन वैसा करने के लिए मदद करना, इन सबकी सुधी लेना प्रभु। होता है लोग प्रभु शब्द को इतना महत्व नहीं देते, इनको समझने के लिए सहायता करना। अपना आत्मा बहुमूल्य है प्रभु, कीमती है, इसे अपने आत्मा की चौकसी और उसे बचाने के लिए प्रभु हमेशा काम करने के लिए उनको तो मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद पिता। आयुर्वेद तेरे सभी बच्चों को तो आशीष देगा, सारा सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव मैं आपको दूंगा प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ।